लग रहा है आपको? भाजपा को? अच्छा, तो भाजपा को क्यों ऐसा? अरे योगी हमारे भाजपा है, बीजेपी है, बीजेपी, और काम भी बीजेपी ही करेगी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही कमल खिलेगा और किसी का कुछ नहीं होने वाला। कौन चुनाव जीतेगा? बीजेपी का चुनाव, बीजेपी का बनना चाहिए सत्ता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम लोग आए हैं अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा में, जहाँ के अभी विधायक थे कुछ दिन पहले सुभाष राय, और वो सपा से अब पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। आइए जानते हैं क्या असर रहेगा उनका जो बीजेपी में गए हैं, या फिर उनको नुकसान होगा जो सपा छोड़ के गए। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल तो ठीक ही है। कौन सी पार्टी जीत रही है? अब ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से योगी जी ने बढ़िया काम किया कि नहीं? काहे नहीं किया। ये बताइए, सुभाष राय सपा में थे, बीजेपी में चले गए हैं, क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे कि नहीं इस बारी? काहे नहीं जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। अच्छा, और भी कुछ लोग आए इकट्ठा हुए, क्या नाम भैया आपका? राज। राज, तो राज ये बताओ क्या करते हो आजकल तुम? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर है, कौन सा कॉलेज है आपका? यहाँ पे हम पढ़ते नहीं। अच्छा, आप यहाँ नहीं पढ़ते, कहाँ पे पढ़ते हैं? हमारा रिश्ता है। अच्छा, रिश्ता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ की अभी लोकल जानकारी तो आपको होगी नहीं? अभी नहीं, अभी तो कल आए। अच्छा, कल आए अभी। अच्छा, और भी कुछ लगे भैया, क्या नाम है आपका? संजय सोनी। संजय सोनी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपके, कौन सी पार्टी के आसार लग रहे हैं पार्टी? राजेश सिंह। राजेश सिंह यहाँ पे हाथी बसपा से हैं, और ये सुभाष राय का कोई मामला नहीं बन रहा है क्या यहाँ पे? कोई नहीं बन रहा, हाथी। अच्छा, हाथी बन रहा है, क्यों लग रहा है आपको हाथी आएगी? राजेश सिंह लोकल है। अच्छा, लोकल है राजेश सिंह, सुभाष राय लोकल नहीं है क्या? अरे पांच बार बिहार चुन पिताजी। अच्छा, तो ये बताइए योगी जी की क्या कमियां रह गई कि आप बीएसपी को चुन रहे हैं? हम लोग लोकल देख रहे हैं। अच्छा, लोकल आप देख रहे हैं, इसीलिए राजेश सिंह को आप देख रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रशांत तिवारी। तिवारी जी, ये आपकी दुकान है? जी नहीं, हमारी दुकान है। अच्छा, तो ये बताइए कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है आपको? भाजपा। भाजपा को? अच्छा, तो भाजपा को क्यों ऐसा? अरे योगी हमारे भाजपा है। अच्छा, योगी हमारे भाजपा है, योगी जी आपके हैं। अच्छा, तो ये बताइए सुभाष राय सपा में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो फायदा होगा कि नहीं उनको? वे हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, फायदा नहीं होगा। तो ये बताइए योगी जी को आप कह रहे हैं कि पार्टी उनकी आनी चाहिए जी, महंगाई वहंगाई नहीं लग रही क्या आपको? क्या महंगाई लग रहा है सर? महंगाई नहीं है, तेल महंगा है तो सरसों भी महंगा है। तेल महंगा है तो सरसों भी महंगा है। अच्छा, तो डीजल भी तो महंगा है, और क्या गाड़ी भी महंगी होगी, तो रुक भी नहीं रहा गाड़ी, रुक भी नहीं रहा ना, इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा। मुद्दे क्या होंगे चुनाव के हिसाब से? आप तो युवा है अभी जी, तो मुद्दे क्या होंगे चुनाव से? अब मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे। नाम आपका? हमारा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण, ये बताइए क्या लग रहा है माहौल, कौन सी पार्टी यहाँ खासकर विधानसभा जलालपुर में किसका वर्चस्व रहेगा? यहाँ राकेश पांडे का। राकेश पांडे का? राकेश पांडे सपा से जी। सुभाष राय पार्टी छोड़ के चले गए हैं? सभी छोड़े हैं, पार्टी कौन पकड़ा है, सब लोग छोड़ दिए, सब छोड़ दिए हैं। इतिहास तो दोनों का, जहाँ तक लगेगा कि राकेश पांडे भी इधर उधर होते रहे, तो सब लोग छोड़े हैं, तो इसको पकड़ा जाएगा। लेकिन आप वो समाजवादी पार्टी के नाते वोट देंगे, व्यक्तिगत ये नहीं कि राकेश पांडे या कोई नहीं, जो भी समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नाते वोट दे रहे हैं या फिर राकेश पांडे के नाते वोट दे रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी आप? अच्छा, इंगित है कि अगर लोग वोट दिए हैं ना, तरह से कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो कभी किसी पार्टी में रहे, क्योंकि तीनों जो बसपा से राजेश सिंह है और राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से सुभाष राय, तीनों का इतिहास दल बदल का ही रहा है, और चारों का, त्रिभुवन दत्त का भी इतिहास दल बदल का है, तो ये लोगों का इतिहास जब दल बदल का है तो हालात, क्योंकि प्रत्याशी पर लोगों की निगाहें नहीं है, बल्कि लोगों की निगाहें केवल इस पर है, पार्टियों पर है कि किस पार्टी को हम वोट पोल करेंगे या हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा। अब मैं कहूंगा नीरज राफ्ता करी भाई साहब, आप नौजवान हैं, और ये बताइए कि जब अगली वोटिंग आप करेंगे तो किन मुद्दों का लेकर आप? इसमें समाजवादी का ही बंड है। अच्छा, मतलब लगे ये बीजेपी के कामों से खुश हैं आप? उनसे भी खुश हूँ एक्चुअली, तो इस समय तो अपना सरकार तो इधर की बन रहा है, तो जी मतलब समाजवादी पार्टी का। समाजवादी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद। अच्छा, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ बीजेपी को डिफीट करेगी? जी, डिफीट कर सकती है। अच्छा, कर सकती। अभी देखिए उत्तरा जो पश्चिम इलाके का जो लोग अभी, क्योंकि भाई सर्वे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 1% लोग अभी तक अनुमान लगा रहे हैं कि 1% आगे पीछे का मामला पश्चिमी इलाके में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में हुआ है। कौन पार्टी आगे गई, कौन सी पीछे गई, ये तो बात का मामला है। मैं भाई साहब, ये
अगला आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप किन मुद्दों पर अगला वोट देना चाहेंगे। देश के मुद्दे और देश का मुद्दा कौन सी पार्टी आपको लगता था कि बीजेपी और काम भी बीजेपी करेगी। अब देखिए भाई साहब ने, आपका नाम क्या है भाई साहब? सीके शर्मा। तो ये आपको ये लगा नहीं कि महंगाई और कुछ ऐसी बेरोजगारी के मुद्दे हैं? मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। जी जी, जो पिछली सरकारों में हमने बॉर्डर एरिया में देखा, जी जी, उससे अच्छा इस सरकार में है। जी जी, मतलब पिछली सरकार से आपको बेहतर लगी कि कहीं वन रैंक एंड वन पेंशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जैसे हमारा इक्विपमेंट है, बाकी चीजें हैं। जी जी जी, बाकी सरकारों से अब की सरकारों में अच्छा मिला। जी जी, एकदम स्थायी। शर्मा जी ने कहा कि हमें बाकी सरकारों से इस सरकार में अच्छा हुआ भी, और सैनिकों के लिए कुछ काम लोगों ने किया कि वन रैंक वन पेंशन की डिमांड थी लोगों की काफी समय से, और इस डिमांड को कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा भी किया। लेकिन हालात है कि उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य है वो काफी अंतर पे है, और लोग ये सोच रहे हैं, तमाम से बुजुर्ग भी है, मैं एक एक कर से राबता करूंगा कि आखिर लोग जाना कहाँ गए चाहेंगे। चाचा, किस मुद्दे पर किस पार्टी को आप पसंद करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? सैकिलिया पे? मतलब योगी जी के ना पसंद करवा लगी कि सकिलिया काम करी खाली? सरकार में कौन कमी नजर आती है? कौन कमी हो? अच्छा, ये चाचा जी एकदम सीधा सा इन्होंने सवाल किया है कि अब ये अखिलेश यादव को वोट पलट करेंगे, और यहाँ जैसे अभी ये दल बदल का बड़ा मामला चला है, कोई बसपा में था तो सपा से टिकट मिल गया, और कोई सपा से था और वो भाजपा में चला गया, तो इसमें आप अखिलेश को देखेंगे खाली कैंडिडेट को? मतलब कैंडिडेट को देखवा कि अखिलेश को देखवा कि खाली जे लड़त बा ओके देखवा? अरे जे लड़त बा वही देखवा, ओका देव चाहे चाहे, मतलब अखिलेश के देख के देखवा। तो ये एकदम सीधा सा कि अब होना भी चाहिए अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन जब बड़ी राजनीति होती है तो उसमें संबंधों से ज्यादा पार्टियों के मुद्दे होते हैं, और वो सबसे बड़े सवाल लोगों के अंदर पैदा करते हैं। भाई साहब, ये दो नौजवान लोग और हैं, ये लगता है कि आपको अगली सरकार किस पार्टी? सपा की। जी, मतलब आप किस आधार कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से आपको बेहतर लगी? अरे देख रहे हैं, पहली बात सबसे तो बड़ी बात यह है कि स्थान छोड़ के देख रहे हैं कितना नुकसान करवा रहे हैं जनता का। जी, जी। जनता कितने परेशान हो रहे हैं। जी जी, अब अच्छी तरीके से जानते हैं जी कितना नुकसान हो रहा है लोगों का नुकसान हो रहा है। तो खाली एक और कोई ऐसा कोई मुद्दा आपको लग रहा है कि जिससे ज्यादा हो? इतना महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई जी, महंगाई भी बड़ी सबसे बड़ा सवाल है कि नीरज, ये महंगाई का सवाल जब लोगों के पास आता है तो लोग वो उस पर कहते हैं, कुछ लोगों को तो लगता है कि महंगाई कम, महंगाई से मजबूर नहीं, लेकिन जब गरीब क्लास में जब जाया जाता है तो लगता है कि महंगाई से वो काफी परेशान और वो उससे निजात चाहते हैं। अब वो हो सकता है कि क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि विधायिका का परिवर्तन, और विधायिका का परिवर्तन चेहरे का परिवर्तन, और चेहरे का परिवर्तन लोग देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर चाचा एक मिनट, आप नई सरकार किस तरीके की पसंद करेंगे? भाई नई सरकार इस तरह की होनी चाहिए जो कि लोक हित में होना चाहिए। जी जी, तो ये अभी एक पर्सनल एक चीज को लेके थोड़ी, अगर कोई चीज अगर कोई कहे कि हमको ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, तो फ्री की जरूरत क्या है? जी, जो मौजूदा चल रहा है उसी को ही आप कम करिए ना। जैसे सिलेंडर हो गया, उसका रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल है, डीजल है, उसका रेट कम होना चाहिए। सरसों तेल 70 रुपए किलो हम खाते थे, आज 200 खा रहे हैं, तो उसका मतलब उसको रेगुलर जो चीज है हमारी डेली की चॉइस है जी, उसको कम करिए। ये फ्री दे दिए, वो फ्री दे दिए, आज 500 पकड़ा दिए, इलेक्शन आया तो पकड़ा दिए जी, 5 किलो अनाज दे दिए इलेक्शन के लिए, 2 महीने बढ़ा रहे, 3 महीने बढ़ा रहे। ये बताइए कि कौन, उसको हम क्या करें? ये बताइए कौन सी पार्टी आएगी जो ये सब काम कर सकती है? पार्टी कोई रहे, पार्टी से कोई मतलब नहीं, जनता के हित के काम होना चाहिए बस। मतलब ये नीतियों के आप विरोधी हैं? जी हाँ। अब सीधा सा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमको ये लॉलीपॉप मत दीजिए। जी जी, कि आप ये ले लो 2 महीने के लिए, 3 महीने बढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिलेंडर है, उसका रेट कम करिए। सरसों को जो खाने पीने की रोजमर्रा जिंदगी है, गरीब अमीर सब एक ही चीज खरीद रहे हैं। जी जी, वो चीज कम होनी चाहिए। जी जी जी, वो जरूरी है। डीजल पेट्रोल उसको कम होना चाहिए। हमको ये लालच मत दीजिए कि हम आपको 2 महीने के लिए ये राशन दे दिए फ्री, वो दे दिए फ्री, 500 रुपए पेंशन दे दिए फ्री, ये सब की जरूरत क्या है? कुछ जरूरत नहीं। जो मर्रा की जिंदगी उसको कम करिए बस। एकदम सही फैक्ट आपने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में
आप ठीक है कि आज राशन मिल रहा है, कल इससे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि इस जो हम फ्री राशन बांट रहे हैं इससे हमको 1,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है। इसके मूड में नहीं थी, लेकिन चुनाव के अन वक्त पर वो राशन बट रहा है। लेकिन ये राशन कब तक बटेगा, कब तक लोगों के पास फ्री राशन जाएगा, ये सवाल है कि आदमी की जरूरत तेल की है, पेट्रोल की है, डीजल की है, और लोगों को खाद्य तेल से ज्यादा पेट्रोल डीजल की भी जरूरत पड़ेगी और दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो सारे इन्होंने मौलिक मुद्दे कहे हैं कि हमको पहली बात है कि उस चीज से निजात दिलाई जो महंगाई के प्रति हमको ढकेल रही है, और ये सही है इनका सवाल। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो चार दल हैं इसमें से कोई आपको बेहतर लगेगा? कोई दल नहीं है, सब आए, कोई भी आए जनता के हित के लिए करें। दल हम व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहे, दल किसी को व्यक्तिगत कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप इस पार्टी से लगता है। जी जी जी, तो हम किसी से पार्टी से नहीं, मतलब हमारा भी फायदा हो, जनता का भी फायदा हो, वो ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। वोट तो जरूर देंगे ना, वोट तो आप क्या करें, वोट तो हमारा अधिकार है भाई, उसको हम बेकार तो कर नहीं सकते, उसको तो देंगे ही देंगे, वो तो देना किसी को भी दें। लेकिन अच्छा सोच के चलो, हो सकता भाई आपकी इनको दे दें, इनको यही तो सोचते आ रहे हैं हमेशा से, अब की इनकी बारी, यही तो हमेशा कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा इनका फैक्ट लगा कि जाहिर तौर पर कि वोट इन्होंने एकदम क्लियर नहीं किया कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन कि उन्होंने का कहना है कि बार बार हमने चेहरे ही बदले हैं, तो लेकिन हमको निजात गरीबी से चाहिए, निजात बेरोजगारी से चाहिए, सारे सवाल। भाई साहब, ये लगता है कि किन मुद्दों पर अगली सरकार बनेगी? विकास के मुद्दे जी, बिजली, रोड जो चकाचक हुआ है जी जी, इसी मुद्दे पे चुनाव होगा। जी जी जी, तो इसमें आपको लगता है कि ये सरकार ने काम किया है? जी बिल्कुल लगता है। हाँ, साफ साफ दिख रहा है, लगता क्या? हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि सारे डेवलपमेंट हैं जी, लेकिन जनता के साथ सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है जो पार्टी जी, जो बीजेपी है, और वही फिर आएगी, उसमें दो राय नहीं। अभी तो कल का जो आकलन लग रहा है कि बड़ी टक्कर की लड़ाई बता रही है, अब मीडिया ही बता रही है। आकलन की बात करेंगे तो अभी जो टीम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो चुनाव कराने गई थी, वहां से फोन आया, वो बता रहे हैं कि दोनों लोगों का जो दोनों जोड़ी है इनका चक्कर तो फेल हो गया। जी जी, ये दो अहंतों का जो जोड़ा था ये बिखर गया। जी जी, जैन चौधरी माननीय अखिलेश यादव जी का, अब वो कहानी जो है अब तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। 10 तारीख को यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही कमल खिलेगा और किसी का कुछ नहीं होने वाला। ये आप समाजवादी पार्टी को किसी लाइन में नहीं लग रहा है? किसी भी पार्टी का कोई लाइन में नहीं आएंगे एकदम। देखिए भाई साहब ने सपाट कहा कि बीजेपी को लाभ मिलेगा, कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा और बीजेपी काम करेगी। आपको नहीं लगता कि महंगाई कुछ बढ़ी? महंगाई बढ़ी जी, महंगाई बढ़ी है। कोरोना काल, ये कोरोना जो कोविड आया है इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, ये हम नहीं कहते महंगाई बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ कमाई भी तो बढ़ी है। जो जब हम काम करवाते थे किसी भी चीज का तो 200 रुपए मजदूरी देते थे, आज हम 300 रुपए मजदूरी दे रहे हैं, तो कमाई नहीं बढ़ी है? मतलब आप 80 जो आज 2008 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में $70 बैरल तेल की कीमत थी, तब पेट्रोल ₹65 मिलता था, और आज भी $70 बैरल लीटर के हिसाब से रेट है, लेकिन आज पेट्रोल 96 रुपए है। तो ये नहीं लगता कि तारतंत्रता कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि कुछ तो गड़बड़ है कि हम गड़बड़ है जी। गड़बड़ होने का मतलब ये है जब डेवलपमेंट होगा जी, जब विकास होगा जी, तो पैसा आएगा कहाँ से जी? पैसा आएगा कहाँ से? यही गरीब जनता तो भरेगी, चाहे टैक्स के रूप में भरे, चाहे नमक तेल चीनी हर चीज से यही जनता भरती है। तब भी भरती थी, आज भी भरती है, तब विकास नहीं हुआ था, आज विकास हो रहा है। तो विकास के नाम पर सारी गवर्नमेंट जो सारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण कर, जो महंगाई बढ़ी हुई है वह महंगाई जो हम गरीबों से ली जा रही है, तमाम भाइयों टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसी पैसे तो विकास हो रहा है कि कोई ये बीजेपी अपने घर में रख रही है, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही नहीं। परिवार देखिए इंटेक्चुअल है कि अब इस परिवारवाद का आरोप तो किस सब दल पे लग सकता, कोई दल ऐसा छूता नहीं है ना, बीजेपी भी अछूती नहीं है, कि अगर राजनाथ सिंह है तो पंकज सिंह है, दुष्यंत वसुंधरा राजे है तो दुष्यंत सिंह है, तो ये सारे मामले हर पार्टियों के हैं, क्योंकि आज पिता जो चाहता है वो पुत्र को बनाना चाहता है। किसी ने रोटी बनाई भाई, किसी ने अगर घर बनाया तो वो ये हो गया है, और ये शायद हमारे आपके कल्चर में भी घुसा हुआ। लेकिन ये है कि विकास के मुद्दे पर खाली भाजपा जी, ओनली भाजपा। अब ये भाई साहब ने सीधा सा एक सपाट सा उत्तर दिया है कि जो भी विकास के काम हुए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुए, और लोगों को
इसमें लाभ मिला और काम भी लोगों का हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हमसे टैक्सेस वसूले बीजेपी ने खास इस्तेमाल किया और इन्होंने इनका सीधा संडिक्शन। क्या नाम है आपका? विनीत मौर्य। विनीत मौर्य, विनीत जी आप हमारे व्यूअर जरूर जानना चाहेंगे कि कम से कम भाजपा के पांच काम आप बता सकते हैं हमें? भाजपा के पांच काम? जी जी। अरे बहुत काम बता दे, आप पांच काम बता दीजिए। इस रोड, ये रोड जिस पे आप खड़े हैं, इस रोड पे इसका नक्शा अभी आप इसके पहले आप देखे होते तो उस पे साइकिल और मोटरसाइकिल दो एक साथ नहीं जा सकती थी। चलिए, आज ट्रक और बस जा रही है, इस पे भर रहा था, आप डाउन कर रही है। एक काम बीजेपी का ये हो गया, सड़क बहुत बढ़िया हुई। दूसरा काम? दूसरा काम जी, दूसरा काम जितने भी गरीब है ना, तो वो जाति धर्म देख कर सारे लोगों को फ्री अनाज। जी जी, कोई बचा है? नहीं नहीं, बात सही है। व्यक्ति बता दे कि इसको फ्री अनाज दो बार ना मिला। चलिए, दो काम अच्छे हुए बीजेपी के। तीसरा काम? तीसरा भी जी, लाइट पहुंचे। जी जी, सुनिए, घर घर लाइट पहुंचे। मेरी बात सुन लीजिए, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, जो आज फ्री 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, वो 3 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे थे। आज हमारे यहाँ देहातों में साला 18-18, 19-19 घंटे लाए। आपकी बात अभी से तीन काम तो हो गए बीजेपी के, ये सब ये काम नहीं है। अभी पांच काम गिनाने के लिए आपको, काम नहीं है। अरे काम तो हम बता ही रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, हम तो वही पूछ रहे हैं आपसे। जी जी, हमारे व्यूअर ये जानना जरूर चाह रहे हैं। हमारे इसी ग्राम सभा में जहाँ आप खड़े हैं, योगी जी का काम बताए, हमारे गाँव में कोई भी व्यक्ति 170 आवास मिला है, 70 गौशाला बना हुआ है। चलिए आप दिखा दें आपको, 70 गौशाले बने हैं। लेकिन एक हमारी बात सुन लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बात हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। को छोड़ दीजिए एक मिनट, और हर कोई भी ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिस ग्राम सभा में मिनी सचिवालय नहीं बनाया गया योगी सरकार में। मिनी सचिवालय सबके यहाँ बना है? नहीं बना है, वही तो पूछ रहे हैं। लीजिए चल के, यहाँ कुछ लोग आइए पूछते हैं, जानकारी करते हैं और क्या विकास हुए हैं। आप चाचा इन्हीं के गाँव के यहाँ आपके यहाँ मिनी सचिवालय बना है कि नहीं? बना है इस एरिया में सबके यहाँ बना है। तो आप देख रहे हैं भाई, सामने पांच काम योगी जी के गिराए हैं और इसी मुद्दे पे वो वोट देने की कोशिश करेंगे सरकार को इस समय, और बता रहे हैं सत्ता में बीजेपी फिर से आनी चाहिए। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे शिक्षा, अभी मुद्दा भाई शिक्षा मुद्दा होगी नहीं है, आपसे भूल ही गए पर पूछना। शिक्षा, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो है ही है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, लेकिन इस कोविड के 2 साल में, कोविड जब से आया हुआ है तब से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, और इसका जिम्मेदार ना कोई सरकार है ना कोई पार्टी है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय जो है महामारी है, इससे सारे लोग जूझ रहे हैं। और शिक्षा के भी स्तर में बीजेपी ने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा ही काम किया है। कहीं ना कहीं हम तो नहीं जानते हैं कि कहीं भी शिक्षा के स्तर में उन्होंने गलत काम किया है। ये आप सुन रहे थे इनको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश से माफिया। बस बस, जय श्री राम। जी जी जी, जैसा कि आप देख रहे थे भाई साहब बता रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, और भी कुछ लोग इकट्ठा हुए, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोनू नाम। मोनू, मोनू जी क्या माहौल लग रहा है, कौन चुनाव जीतेगा? बीजेपी का चुनाव, बीजेपी का बनना चाहिए सत्ता में। नहीं देखा भैया, गांव में चला, गांव में देख लीजिए अपना जो है, पानी के एकदम साधन ना, पानी के एकदम ना। भैया तो बता रहे हैं विकास हुआ, उधर उधर जितना नहाए उतना उधर फेंक दिया। भैया बता रहे हैं विकास खूब हुआ है, कुछ ना भाई। गाय में समस्या है कि नहीं आपके गाँव? गाय सांड की? गाय सांड तो कुल खाए जाते हैं। बता रहे हैं गौशाले 70 से बने खाए जाते हैं। एक बार है, यही देखिए दावों की पोल बीजेपी के, बीजेपी के दावों की यही पोल है कि बीजेपी कहती है गौशालाएं बनी हैं, गांव-गांव बनी है, लेकिन आज भी छुट्टा पशु रोडों पर घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, लोगों के फसलों का नुकसान। हमारे गांव में जितना गिराई ना हमारे सब उतना उधर फेंके पड़ा, तो खेते में फेंके जब वो चट्टगारी थी। शौचालय मिलल? शौचालय तो मिला। हाँ। आवास वास कुछ? कुछ ना, ना मिलल हमारे लोगन के, तो ना मिला। हाँ। हाँ। बकरी पालन मिला भाई? अच्छा, बकरी पालन मिला। हाँ। बकरी पालन। हाँ। हाँ। अगर तुम्हें तो सरकार में वोट दे खुद कौन पार्टी दे? अब कौन पार्टी दे? मुलायम सिंह के दे। देखिए एकदम रियल एक्चुअल चाची जी बता रहे हैं कि हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, जैसे भाई साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी को कहा। देखिए ये वोटर का मूड है, इसको हम आप बदल नहीं पाएंगे, जिसको हम जहां जाना होगा वही जाएगा। तो अब खाली समाजवादी पार्टी को और कौन पार्टी के, मैंने लगातार समाजवादी पार्टी पूरा बाहर काम करी पूरे गांव। बहुत अच्छा, ये देखिए अभी खास रिपोर्ट यहाँ रही है और लोगों को लगा नीरज की
हर आदमी कहीं ना कहीं बायस है, अपने अपने मुद्दे पर है और वो उस मुद्दे पर लेके जाना है वोट वोट देंगे। जैसे भाई साहब ने भी कहा, मौर्य जी ने कि हम बीजेपी को कहेंगे और ईसा जी ने कहा कि हम कहीं मत दे रहे हैं, तो ये उनका आप बताइए। सुभाष राय से पहले सपा में थे जी, हमें सुभाष राय से नहीं मतलब। अच्छा, यही पूछना चाहते हैं, हमें सुभाष पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं या कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं? हमारा जो प्रत्याशी है ना, तो हम सुभाष राय को जानते हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी, और हम कमल के फूल को वोट करना चाहते हैं और माननीय योगी जी को वोट करना चाहते हैं। सुभाष राय हमारी पार्टी में आए, उनका स्वागत है, जब तक रहेंगे स्वागत रहेगा। हो सकता है इन लोगों को क्या भरोसा, आज है कल नहीं, लेकिन कमल का फूल हमेशा रहेगा। नहीं, या तो ये जितनी पार्टियां तीनों ट्रांसफर कैंडिडेट ट्रांसफर है, सब ट्रांसफर जी जी, कोई बचा नहीं है, कोई भाजपा से बसपा में, बसपा से सपा में और सपा से भाजपा में। तो हमारा प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है, ना कि सुभाष राय। अभी तक हम लोगों ने जितनी रिपोर्टिंग की भैया, कहीं ना कहीं लोगों का मूड यह है कि प्रत्याशी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लगभग 90% ऐसा हो रहा है कि पार्टियों पे डिपेंड है। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर आया, पहले लोग जात के नाम पर कि इस पार्टी का कैंडिडेट है, ये जात का हमारी है, तो वोट करते थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए सही है? ये है बहुत अच्छा मुद्दा कि अगर आप अगर कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र लेके आती है उस पर वोटर पोल करेगा, तो ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा संकेत है, इसको कहेंगे। अगर व्यक्तिगत हम संकेत करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि व्यक्तिगत भाई इन्होंने कहा कि सुभाष राय कहाँ से आए, फला कहाँ, राकेश पांडे कहाँ से कहाँ चले गए, राजेश सिंह कहाँ से कहाँ चले गए, तो ये फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीधा सा ये मामला है, तो ये बहुत अच्छा संकेत कहूंगा। हार और जीत किसी भी पार्टी, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं, अगर हम लोग पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं जी जी, तो सत्ता में जो लोग आएंगे क्या अच्छे लोग भी आएंगे? अब अच्छे, अब ये तो पार्टियों को चिन्हित करना पड़ेगा। इस सारी चीजों का मामला पार्टियों को चिन्हित करना पड़ेगा कि पार्टियां किस तरीके के कैंडिडेट को खड़ा करेंगी। अब पार्टियां अगर अपराधी किस्म के लोगों को खड़ा करेंगी, हर पार्टियों में रहा है कि अपराधी सब दे रहे हैं। अभी तो ये बीजेपी के अंदर भी खाका भरा है, सपा में भी। अब वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं उनके यहाँ माफियां, तो उनके यहाँ भी माफियां, तो भाजपा में भी माफियां, सपा में भी माफियां। लेकिन सबसे बड़ा शुभ संकेत ये है कि लोग घोषणा पत्र पे वोट देंगे, माफियाओं को देखकर वोट नहीं देंगे, ये बड़ा बात है, बहुत बड़ा शुभ संकेत। आप पूरा जानते हैं उत्तर प्रदेश की कि किस पार्टी में कौन माफिया है, कौन सीधा है, कौन अच्छा है। पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि कौन गुंडों को लड़ा रहा है, कौन अच्छों को लड़ा रहा है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं किसी को, सारे लोग जानते हैं। ये हम लोग थे, आप देख रहे थे हमारी ये खास रिपोर्ट, और इस समय हम लोग हैं अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा में। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।